नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज का थोड़ा सा वीडियो एक बार फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इस डोर के अंदर, जो इसका ये नॉब है ये काम नहीं कर रहा और ये जो लॉक है ये स्टक हो चुका है। तो आज मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, एक वीडियो बना देता हूँ और उससे आपको भी पता लग जाएगा कि इसको कैसे ओपन करना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पुराना वाला लॉक है इसमें ये चाबी है, अंदर जा नहीं रही और ये स्टक हो चुकी है, घूम भी नहीं रही। तो मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जो नया लॉक आता है उसके साथ कुछ ऐसा टूल आता है जिसमें ये इस साइड के, देखो आप साइड के जो है कुछ इस तरह से होते हैं, तो इसका यूज़ करते हुए इसको खोल सकते हैं। तो इसको खोलने का क्रम होता है, तो उसमें आपको जो इसके तीन पार्ट होते हैं, ये बाहर वाला पार्ट हो गया, ये अंदर वाला पार्ट हो गया और ये यहाँ पे जो हिंज वाला पार्ट है ये हो गया। तो इसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप इसको लूज़ कर दीजिए। ये लूज़ करने के बाद सबसे पहले ये पीछे वाला पोर्शन है ये निकलेगा और थर्ड नंबर पर ये निकलेगा। ये आपको क्रम हमेशा ध्यान रखना है कि पहले ये, इसको क्या लूज़ करना है, निकालना नहीं है क्योंकि अंदर से लॉक है, निकलेगा बाद में। फिर ये इसको लूज़ करना है, फिर इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है। तो चलिए फिर पहले मैं जो इसके ये स्क्रू है, इन दोनों स्क्रूज़ को लूज़ कर देता हूँ। तो हमें क्या, ये जो स्क्रूज़ हैं इनको क्या लूज़ करना है, ध्यान रहे इसको ऐसे खोलेंगे नहीं क्योंकि देखो अंदर अटका हुआ है, खुलेगा नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको घुमा के एडजस्ट करके देखता हूँ। हाँ, ये जो पोर्शन है ना इसमें मैं इस पिन के सहायता से, ये देखो आप यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसको मेरे को केवल ऐसे करके प्रेस करना है। इसको प्रेस करके ये ऊपर के नॉब है इसको बाहर की साइड खींचना है। और ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा, इसको साइड में रख देना है। ये वाला जो पोर्शन है इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाना है, इसको मैं घुमाऊंगा तो ये देखिए से ये इस तरह से खुल जाएगा। आप इसको फटाफट खोल लेते हैं। यहाँ खोलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, पास में आओ, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक स्क्रू तो यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है। तो इन दोनों स्क्रूज़ को मैं फटाफट ओपन कर देता हूँ। तो अभी ये दोनों स्क्रू यहाँ पे है ना खुल चुके हैं। तो और इसके बाद ये जो प्लेट है ये प्लेट फ्री हो जाएगी, इस प्लेट को निकाल लेते हैं। तो अब ये प्लेट निकलने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको बस पकड़ के ऐसे बाहर की साइड खींचना है। ये बाहर की ऐसे पूरा निकल जाएगा और ये फ्री होने के बाद ये जो है ना इसको भी आप ऐसे करके सीधा बाहर निकाल दीजिए। अब ये यहाँ पे ये पूरा फ्री हो चुका है। ये नया है जिसको मैं अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन लेंगे जिसमें कि ये पीछे जो बटन है वो है, तो इसमें वो होल ढूंढेंगे, ये रहा होल। होल में अंदर की साइड इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, ये वही टूल है जो मैंने बताया था आपको शुरू में। इसको प्रेस करते ही इसको नॉब को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे और ये ऐसे इजीली निकल जाएगा। और इसको करेंगे अनस्क्रू और इस प्लेट को निकाल लेंगे। अब ये हमने हिंज वाला पार्ट ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ हिंज वाले पार्ट को सेट करने के बाद अब ये जो बीच वाला है ना इसमें आपको देखना है, ये वाला जो खांचा है ये हिंज वाले की साइड रखना है। तो आपको हिंज वाले की साइड रखते हुए इसको यहाँ बाहर से डालेंगे। और तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे धक्की देते हुए ये वाला जो पोर्शन है ना आपस में लॉक हो जाए, इस तरह से इसको लगाना है। अब इसके बाद ये जो हमारी इसकी बेस प्लेट थी है इसको लगा देते हैं। और इसकी जो स्क्रीन है एक बार थोड़े बहुत हल्के से टाइट कर देते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से सेट कर देते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर बाहर निकला रहेगा तो जो हमारा गेट है ना वो ठीक से बंद नहीं होगा और वो बार बार जो हमारी सॉकेट है उससे टच करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी उस हिसाब से यहाँ से सेट कर देता हूँ।
तो एक बार मैं इसको यहाँ पे बंद करके चेक करके देख लेता हूँ कि ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, बेस प्लेट को अच्छी तरह ऐड करने के बाद ये जो इसकी वाली प्लेट है इसको ऐसे क्लॉकवाइज इसको फिट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे इसको ताकि पूरा कवर हो जाए जितना भी पोर्शन है। ये जो इसका हिस्सा देखो, ये जो हिस्सा कटा हुआ है ना, इसको इस होल की साइड रखते हुए अंदर प्रेस करेंगे और बस अंदर प्रेस करते ही ऐसे पूरा फिट हो जाएगा। अब ये अच्छी तरह फिट हो चुका है सारा, ये बाहर से लॉक लग गया, अब अंदर से खुल रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये पूरा बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से पूरा लॉक है वो रिप्लेस कर दिया है। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब इसमें आगे का जो पार्ट होता है वो है कि यहाँ वाला ये जो चीज़ है ये सेट करने में, तो आप अपनी मतलब लॉक की हाइट के अकॉर्डिंग ये जो एक सिंपल पत्ती होती है इसको यहाँ पर दो होल करके सिंपल से इसको लगा लीजिए तो बहुत सिंपल है। जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी ये लॉक सेट करना। तो वीडियो अगर आपको हेल्प करे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।